हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नोपे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही न्यू अपडेट लेके आए हैं, जो 41,520 पुलिस के जो वैकेंसी थी 2018 की, तो इसके बारे में हाई कोर्ट और भर्ती बोर्ड के बीच में क्या जवाब तलब हुआ, क्या बहस हुई और क्या फाइनल रिजल्ट आया, उसके बारे में हम बात करने वाले इस पूरे वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और जानिएगा पूरा अपडेट्स और आखिर पूरा मसला क्या है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ये अमर उजाला में आज प्रकाशित हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं अमर उजाला में सिपाही भर्ती 2018 के परिणाम को चुनौती जवाब तलब। तो प्रयागराज में जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का हाई कोर्ट यानी प्रयागराज, वहाँ से क्या आज कल वहाँ पे क्या हुआ, तो उसकी पूरी इसमें हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। नागरिक पुलिस और पीएसी में 41,520 पदों पर आरक्षियों की भर्तियों को लेकर जारी परिणाम को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई। याचिका दाखिल कर कहा गया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने चयन में मनमानी की है और नियमों का विपरीत जाकर चयन किया है। दीक्षा देवी और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार, यानी सुनीत कुमार जो है न्यायमूर्ति हैं इसके, सुनीत कुमार ने पुलिस भर्ती बोर्ड को इस मामले में जवाब मांगा है। याचिका का कहना है कि सिपाही भर्ती 2018 में 41,520 पदों के लिए जारी विज्ञापन के तहत याचिका ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट और तथा दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रिया में वह भाग सफल हुआ, मगर 18 फरवरी 2019 को परिणाम घोषित किया गया। उसका नाम चयन सूची में नहीं था, उसके कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। भर्ती बोर्ड ने गलत तरीके से नामिनेशन की प्रक्रिया अपनाई, जिससे याचिका चयन से बाहर हो गए। मांग की गई है कि चयन परिणाम रद्द कर नए सिरे से जारी किए जाने और याचिका को फिटनेस टेस्ट आदि के लिए बुलाया जाए। याचिका पर कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। चयन परिणाम याचिका के निर्णय के अधीन हो गया, यानी जो चयन परिणाम है इनका ये याचिका के अधीन होगा, ठीक है। तो ये था पूरा मसला। कांस्टेबल पर तो यहाँ पे जो एक और नोटिस है, इसमें छोटी सी कटिंग, उसको भी पढ़ लेते हैं। कांस्टेबल पद पर चयनित का मेडिकल कराने का आदेश। तो एक और लड़का है जिसने याचिका दर्ज की यानी लगाई थी अपनी, हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पद पर चयनित अभ्यर्थी कानपुर नगर के भालचंद्र की मेडिकल परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया। कोर्ट के अपर सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड से कहा कि याचिका टेस्ट किस दिन कराया जाना है इसकी पूर्व उसे सूचना दी जाए। दीक्षा देवी और अन्य 5 याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव का कहना था कि याचिकागण में से एक भालचंद्र ने लिखित परीक्षा पास कर ली, मगर उसे दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने अपर सचिव को निर्देश दिया कि याचिका मेडिकल कराया जाए। तो फाइनल रिजल्ट यह है। तो अभी दोस्तों अभी जो 4 वीक का इसमें जो टाइम मांगे गया, टाइम 4 वीक के अंदर यहाँ पे भर्ती बोर्ड को जवाब देना है हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद क्या होगा आगे, कहाँ तक भर्ती जानी वाली है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी जो मेडिकल चल रहा है तो वो भी शायद यहाँ पे रुक चुके हैं, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो रायबली है यहाँ पे तो अभी मेडिकल सिर्फ 2 दिन हुआ है, यानी 214 बच्चों का मेडिकल केवल कराया गया, बाकी का भी रोक दिया गया। बाकी कब मेडिकल होगा, कब क्या होगा, कुछ भी न्यूज़ नहीं लग रही है, ना कोई नोटिस लग रही है। बच्चे जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, डेली जाते हैं बट उनको कोई यहाँ पे सांत्वना देने वाला कोई नहीं मिलता। सिर्फ 214 बच्चों का सिर्फ अभी मेडिकल हो पाया है, जबकि यहाँ पे रायबली से हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे थे वो 610 थे, जिसमें से पीएससी और सिविल दोनों के थे। तो